31 अगस्त 2022 गणेश चतुर्थी का पवित्र दिन। इस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन आप ये यंत्र बना के अपने घर की दीवार पे कहीं भी चिपका देंगे, या कुछ खास दिशाएं हम बता रहे हैं उनमें से किसी भी दिशा में चिपका देंगे। गणपति महोत्सव का पहला दिन है कल, और गणपति महोत्सव की तैयारी आप इतने दिन से कर ही रहे हैं, लेकिन ये यंत्र बनाकर आप चमत्कारिक रूप से लाभ उठा सकते हैं। इसकी पूरी विधि आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो बने रहिए चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में बहुत स्वागत है आपका मित्रों। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा आप पर सदा बनी रहे। रिद्धि सिद्धि माता आपके घर में सदा निवास करती रहें। खुशहाली से आपका घर संसार चमक उठे, इसी शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जो बेसिकली आपका अपना ही चैनल है, क्योंकि आपके प्यार की बदौलत ये चैनल इतना आगे बढ़ रहा है। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। मित्रों, विदाउट वेस्टिंग टाइम पूरे प्रोसीजर को शुरू करते हैं तुरंत। आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है और उस पर सिंदूर में थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी मिला लेना है, या उसको घी में ही सिंदूर मिलेगा, मतलब तो घी में ही सिंदूर मिलाना है, और उससे आपको ये आकृति बना लेनी है, और चार 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 जगह लिख देना है। और जो चार का अंक होता है माँ सरस्वती का अंक होता है। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए ये यंत्र आप बना के पूजा स्थान में रखते हैं और 11 दिन तक पूजा करते हैं, तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। आप चाहें तो कल से प्रारंभ करके और 9 तारीख यानी अनंत चतुर्दशी के दिन तक भी ये पूजा आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। ये आपको सिंदूर से बनाना है ये यंत्र, और आप देख रहे हैं गणपति भगवान का बीज मंत्र आपको लिखना है, जो इस प्रकार है, थोड़ा छोटा बन गया है यहाँ पर, तो ध्यान मत दीजिएगा, आपको ऐसा ही बनाना है जैसा इस कोने में बना हुआ है। आपको गंग 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 चार जगह चारों कोनों में लिखना है। कोनों का बहुत महत्व है, और कोनों में ही आपको लिखना है गंग गंग। ये भी गंग है, थोड़ा छोटा बन गया, और ये भी गंग है, ये भी गंग है, और गंग है, तो चारों कोनों में आपको गंग लिखना है, और ऐसा आकृति आपको बनानी है, और आपको ये दीवार पे भी आप चिपका सकते हैं, जिससे हर घर के सदस्य इसको 10 दिन जब तक आप रखेंगे अपने घर में इसको देखते रहें। इसको देखने मात्र से ही उनकी बुद्धि कुशाग्र होगी, और माँ नील सरस्वती का इनको लाभ मिलेगा, सरस्वती माता का लाभ मिलेगा, सरस्वती पूजन जैसा ही लाभ मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं भगवान गणेश के साथ माता सरस्वती की भी पूजा होती है और माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है, लेकिन गणपति महोत्सव के अंतर्गत माता रिद्धि सिद्धि की पूजा होती है विशेष रूप से, और गणेश महोत्सव मनाया जाता है, तो ये गणेश महोत्सव तो आपको मनाना ही है, गणपति को अपने घर में विराजमान करना है, लेकिन आपको ये चार का अंक चार बार इस तरह से लिखना है, और या तो आप अपनी पूजा घर में रख दें गणेश जी के समीप, या आप दीवार पे चिपका दें अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में चिपका दें सिंदूर से इसको लिखकर। आपको इतना पैसा आएगा बिना बहाने के, आपका पैसा आएगा बिना बहाने से। जी हाँ मित्र, बहाने मार मार के नहीं, बिना बहाने से ही आपके पास पैसा आने लगेगा, बुद्धि कुशाग्र होगी, आपके मनोवांछित फल आपको प्राप्त होंगे। जो आप भगवान गणेश से मांगेंगे इस दौरान वही आपको मिलेगा, भले ही पैसा मांगे, लाखों मांगेंगे तो करोड़ों मिलेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये काम करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ अवश्य शेयर करिए। और आपको सिंदूरी कलर से ही लिखना है, अन्य कोई रंग का प्रयोग नहीं करना है। सिंदूर में देशी घी मिला दीजिए और इससे ही आकार बना दीजिए। आप कॉटन की बर्ड्स भी ले सकते हैं, बर्ड्स लेकर और शाही की तरह यूज़ कर सकते हैं भगवा कलर को, सिंदूर को, और घी में मिलाकर और सिंदूर से ही आकृति बनाएं। बर्ड्स के द्वारा आप ये आकृति बनाएं तो आपको अत्यंत लाभ होगा, और आप चमत्कारिक परिवर्तन गणपति महोत्सव के दौरान ही आपको मिलने लगेगा। ऐसा चमत्कारी ये यंत्र है, अवश्य बनाइए। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो इतना ही था, आपको पसंद आया हो तो
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अनुभव हमारे साथ अवश्य शेयर करिए। थैंक यू सो मच।